नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। और इस वक्त की खबर आ रही है प्रयागराज के जसरा से, जहां प्रयागराज के जसरा रेलवे स्टेशन के पास लगभग 5 बजे शाम को एक महिला अचानक सारनाथ एक्सप्रेस के सामने दो बच्चों को लेकर के कूद पड़ी, जिसमें उक्त महिला व बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा जसरा स्टेशन पर दी गई। स्टेशन कर्मचारियों द्वारा आरपीएफ नैनी व घोरपुर थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतक महिला व बच्चों की पहचान कराए जाने का प्रयास किया गया, तो भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति के द्वारा मृतक बच्चों के शव को देख करके उसकी पहचान की गई। इसके उपरांत थाना प्रभारी के द्वारा मृतक महिला के परिजनों को सूचना दिया गया। सूचना मिलने के उपरांत मौके पर पहुंचे मृतक महिला के ससुर राम कैलाश यादव 75 वर्ष के द्वारा बताया गया कि मृतक महिला उनकी बहू अंजना यादव, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, और दोनों बच्चे उनके नातिन हैं, जिनका नाम समीक्षा 5 वर्ष व स्वेक्षा 4 वर्ष की है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी बहू अंजना मायके मऊ करवी जाने की बात कर रही थी। 11 बजे घर से निकली थी, लेकिन किन कारणों से उन्होंने ट्रेन के सामने आकर के हत्या कर ली, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि उनका बेटा टुनटुन यादव मुंबई में रहकर नौकरी करता है। वहीं उनके बेटे टुनटुन की शादी अंजना से 2017 में हुई थी। वहीं थाना प्रभारी घोरपुर व जीआरपी चौकी प्रभारी नैनी वीरेंद्र प्रताप सरोज द्वारा महिला दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंचे एसीपी संतलाल सरोज व डीसीपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे मुआवना कर परिजनों को सांत्वना दी।